जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग सब खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। और जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप जो फ्री है उसको ज्वाइन कर लें। बस आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए, यही मेन हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। जी अब मैं आपके सामने ये रिपोर्ट लेके आया हूँ लोकल इन्वेस्टमेंट की। थोड़ा मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद फिर जो हमने सुबह बाय एंड सेल कॉल दी थी उसके मैं आपको उस सीन की तरफ लेकर जाऊंगा। इसमें आप देख सकते हैं कि बैंक ने जो है ना वो आज स्ट्रॉन्ग सेलिंग की है। 3.30 मिलियन डॉलर की कंपनीज ने भी सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी सेलिंग की है, एनबीएफसी ने भी सेलिंग की है। तो इसके अंदर जो हमारा इंडिविजुअल है 4.92, इसने माल को उठाया है और सस्ता समझकर। और इस हवाले से जो है ना मुझे तो कल के हालात ठीक नहीं लग रहे, तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिले काइंडली उसको अपने स्क्रिप्ट को सेल करें और मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करें और अपनी पोजीशन स्केयर अप करके कैश इन हैंड रहें। उसकी वजह मैं यही है कि भाई मुझे जो ये जो म्यूचुअल फंड की सेलिंग है और ये इंडिविजुअल की बाइंग है स्ट्रॉन्ग, इस हवाले से मुझे थोड़े से खदशात लाहक हैं। और इसके साथ साथ आप अगर आप देखें क्रूड ऑयल जो है वो भी इस वक्त 102 पे ट्रेड कर रहा है। इसका भी आज मार्केट ने थोड़ा बहुत जो है ना वो इम्पैक्ट लिया हुआ है लिया। और आपने देखा स्टार्ट में जो है वो सेलिंग आई मार्केट में, लेकिन बाद में जो आईटी सेक्टर चला, आईटी सेक्टर की वजह से और जो पीएम ने जो पीएम ने पैकेजेस अनाउंस किया उसकी वजह से मार्केट के अंदर आपको तेज़ी नज़र आई, जो कि कल भी थी और आज भी वो तेज़ी रही। तो मार्केट तकरीबन वो 1200-1300 पॉइंट जो है ना वो रिकवर कर चुका है, रिकवरी कंडीशन के अंदर है। लेकिन जो है काइंडली अपने प्रॉफिट लाजमी बुक किया करें। अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ जाएं तो आप ये देख सकते हैं कि आज जो है ना आज ही मार्केट का जो है वो सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिविटी के अंदर ही है। मार्केट के हालात अभी भी अच्छे नहीं है कि हम कह सकें वो स्ट्रॉन्ग बाय लेवल जो है ना वो आ चुके हैं, क्योंकि नेगेटिविटी में कमी ज़रूर आई है। लेकिन अगर आप देखें तो आज स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी हुई है, और ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग किसकी वजह से हुई है ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये हमारे कितने सेलर हैं, 1 2 3 4 5 6 सेलर हैं हमारे पास, जिन्होंने आज ये बैंक ने भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग की है। तो अगर अगर आप देखें मार्केट इस वक्त 44803 पे ट्रेड कर रही है, और इसका जो हमारा प्रॉफिट बुक करने का जो है वो आपने कम से कम 40, अगर ये मार्केट कल आपको 45300 के आसपास नज़र आती है तो काइंडली वहाँ पे लाजमी प्रॉफिट बुक करें। और अगर ये यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें ये इंशाल्लाह आपको सारा ये स्क्रिप्ट जो है ना डाउन साइड पर दोबारा मिलेंगे, क्योंकि और उसके बाद जो है हमारा दूसरा जो है वो ये 44350 के उसका जो है ना वो सपोर्ट लेवल बनता है। अगर ये मार्केट कल नेगेटिव क्लोज होती है और प्रेशर लेती है तो ये आपको 44300 के आसपास दोबारा इसको सपोर्ट मिल सकती है। तो आपने कल जो है पहला काम तो ये करना है कि जैसे ही आपको 45300 के राउंड जो है ना मार्केट दिखे और यहाँ तक आए तो आप लाजमी अपने शेयर को जो सेल आउट करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करना है। अच्छा जी ये तो थी ओवरलुक मार्केट के हवाले से, अभी हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ। जी आज जो है सुबह मैंने पीएसओ शेल ऑक्टोपस टीपीएल टेली इमेज और टीपीएलपी की बाइंग कॉल दी थी 9:18 पर, और साथ ही ये भी बता दिया था कि 44500 पे ये इसका सपोर्ट लेवल है और जिन लोगों ने बाइंग करनी है वो 44500 के आसपास ये बाइंग करे तो आपको ये शेयर जो है ना वो अच्छे जो है वो आपको वो दे के जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा। शुरू में टीआरजी जो है वो नेगेटिव परफॉर्म करता रहा क्योंकि उसने डिविडेंड और कुछ भी अनाउंस नहीं किया, जिसकी वजह से प्रेशर में आ गया। लेकिन जो आईटी सेक्टर में इकदाम की वजह से, न्यूज़ की वजह से ये दोबारा टीआरजी जो है वो अपर लॉक की तरफ गया।
तो इस हवाले से मैंने टीआरजी कॉल भी नहीं दी थी क्योंकि वो अनसर्टेन की सिचुएशन थी, इसलिए मैंने इनको जो है सिर्फ उनके अंदर कॉल दी जो स्ट्रॉन्ग जो है ना स्क्रिप्ट थे। अच्छा जी, इसके पहले चलते हैं पीएसओ जो मैंने बाय कॉल दी थी। पीएसओ थोड़ा नेट स्लो है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये जो है हमने जो कॉल दी थी सुबह जब मैंने कॉल 9 बजकर मार्केट ओपन होने से पहले, तो ये ओपन हुआ, ये ओपन हुआ जनाब 186 पे। ठीक है, 186 पे ओपन हुआ और ये इसने 179.95 का लो लगाया, उसके बाद दोबारा ये 181.24 पे ये क्लोज हुआ। तो जिन्होंने लिया है 186 पे भी लिया है, 185 पे भी लिया है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये होल्डिंग वाले शेयर हैं, ये आपको गेन दे के जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें जो है ना ये मैंने पीएसओ होल्डिंग के लिए मैंने रिकमेंड किया था। उसके बाद जो है शेल, शेल भी होल्डिंग वाला स्क्रिप्ट है, लेकिन अगर कोई इसके अंदर प्रॉफिट टेक करना चाहता है तो बेशक वो प्रॉफिट टेकिंग कर ले। ये हमने सुबह जो बाइंग इसकी कॉल ली थी, ये देखें ये इस वक्त 122.41 पे ट्रेड कर रहा है इसने, और 124 इसका हाई लगा। तो जिस अगर किसी ने लिया हुआ है और इसको वो करना चाहता है सेल आउट प्रॉफिट बुक करना, तो कल वो जो मैंने बताया है वो थोड़ा सा ऊपर करके इसको भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है। जिन्होंने बेच दिया तो कोई बात नहीं, उसके लिए जो है ना दोबारा ये नीचे आएगा और फिर दोबारा हम इसको बाय कॉल देंगे ग्रुप के अंदर। सबसे अच्छे जो परफॉर्म किया वो ऑक्टोपस ने किया, अपर लॉक जो है इसको लगा आज, ये 6.58 रुपीज़ बढ़ा जो 7.49 बनता है परसेंटेज में। और ये इसको जो है ना हमने कल ही अपने ग्रुप के अंदर ऑक्टोपस की कॉल दी थी और आज जो है ना उसने अच्छा परफॉर्म किया और 80-94 के करीब अपर लॉक इसको लगा। आईटी सेक्टर सारा ही चला इस न्यूज़ की वजह से, कल एक्सपेक्टेड भी यही था आज के जो न्यूज़ चल रही थी, जो पीएम के वो थे इकदाम थे और जो उन्होंने इसके हवाले से सेक्टर को रिलीफ दिया है, इस वजह से भी ये ऐसे एक्सपेक्टेड था आज के ये सेक्टर बूम करेगा। टेलीकार्ड की मैंने सुबह कॉल ली थी, टेलीकार्ड ने भी अच्छा परफॉर्म किया, 15-24 तक गया। तो जिन्होंने वो सेल आउट किया हुआ है वो कोई बात नहीं, दोबारा मिल जाएगा आप लोगों को नीचे। और जो है जिन्होंने होल्ड किया वो कल इसको बेशक सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद टीपीएल है, ये टीपीएल भी देखें जी, 13.70 मैंने सुबह जब कॉल दी थी तो ये एक टाइम पे 14 पॉइंट प्लस भी हुआ था, तो मैंने उस टाइम कॉल दी थी कि भाई आप बेशक इसको सेल आउट कर दें जैसे ये प्लस में जाए। तो ये प्लस में ये तकरीबन ये गया था दिन के टाइम, और उसके बाद जनाब लोगों ने कुछ इन्होंने सेल आउट कर दिया, अच्छी बात है नहीं क्या, तो कल इस भी पॉजिटिव में चला जाएगा इंशाल्लाह, और इसको आप कल इसको सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद मैं टीपीएलपी की भी कॉल दी थी, टीपीएलटी भी जो है ना तकरीबन 33 के आसपास गया और 31.71 पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। तो इस हवाले से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली चैनल सब्सक्राइब किया करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारा व्हाट्सएप फ्री ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को हमारी जो है वो मुफीद आरा और एडवाइसेस जो है ना वो ग्रुप के अंदर टाइम पे मिलती रहें। वीडियो तो ज़ाहिर है मैं शाम को बनाऊंगा और तो, लेकिन जो वक्त के साथ साथ जो करंट उसमें चल रहा होता है मार्केट, उस हवाले से भी हम गाइड करते रहते हैं, बाय कॉल वगैरह सुबह के टाइम देते हैं ताकि आप लोगों का भला हो सके। तो काइंडली बस मेरी यही दो रिक्वेस्ट है और दुआ है कि हम जो है हम सबको अल्लाह ताला कामयाबी अता करे और हम लोगों को नुकसान जो है उनसे बचाए। एक्चुअली हम नुकसान भी करते हैं तो अपनी ही वजह से करते हैं, क्योंकि जिस वक्त इस मार्केट में इन होने का टाइम होता है वहाँ पे जो है ना हम जो है ना वो आउट हो रहे होते हैं, जब आउट का टाइम होता है उस टाइम इन हो रहे होते हैं। तो जब जिस वक्त आपने आपको टाइम ऑफ एंट्री और टाइम ऑफ एग्जिट
ये दोनों चीज़ें जो है ना इस तरह बड़े प्लेयर करते हैं। इस ये चीज़ें अगर आपको आप लोगों को आइडिया हो जाए इन चीज़ों का, तो आप मार्केट से कभी भी आप मार्केट में लॉस नहीं करेंगे। और प्लस जो है ना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक जो होते हैं उसके अंदर, जो इसको ब्लू चिप स्टॉक कहते हैं, उसके अंदर ट्रेड किया करें। ये तो मैंने आज जो है, मैं एक्चुअल जो है ना ये पेनी स्टॉक TPLP TPL की मैं जो है ना वो कॉल नहीं देता, लेकिन आज चूँकि वो मुझे उम्मीद थी कि ये जो है स्ट्रक्चर ऊपर जाएंगे जो PM के ऐलानात थे, इस वजह से मैंने ये आज जो है ना इनकी आज बाय कॉल दे दी। अदरवाइज मैं इनकी बाय कॉल नहीं देता। मैं स्टॉक फंडामेंटल्स जो हैं उनके अंदर ही हम बाइंग करवाते हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक है उनका टेंशन नहीं होती, वो जो है ना वो आपको वो गेन दे के जाते हैं। और वो ना जब मार्केट क्रैश होती है तो ना वो इतना नीचे गिरते हैं कि जिस तरह बाकी स्टॉक वगैरह ऐसा TRG नेटसोल वगैरह ऐसे नीचे आते हैं, उस तरह वो नीचे नहीं आता। चलें जी, ओके जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और वीडियो वॉच करने का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।